पाली जिले की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली मारवाड़ जंक्शन विधान सभा सीट पर क्या रह पाएगा बीजेपी का दबदबा, क्या कांग्रेस का दांव आएगा काम, इस पर देखिए मंगल मीडिया न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। राजस्थान में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी अभियान में जुट भी गए हैं। बात करें पाली जिले की तो यहां चुनाव को लेकर खासी सरगर्मी देखी जा रही है। जिले के तहत 5 विधानसभा सीटें पड़ती हैं और पिछले चुनाव में कांग्रेस का यहां खाता तक नहीं खुला था, जबकि यहां पर 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली तो 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत अपने नाम की थी। अब बात करें जिले की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट की, तो पिछली बार भाजपा और कांग्रेस की चुनावी गणित को धता बताते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने वाले खुशवीर सिंह इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी से 3 बार के विधायक और पिछले चुनाव में महज 251 वोटों से चौथी बार विधायक बनते बनते रह जाने वाले केसाराम चौधरी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों वही उम्मीदवार आमने सामने होंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले चुनाव में वर्तमान विधायक खुशवीर सिंह जोजावर निर्दलीय उम्मीदवार थे, इस बार वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में है। यानी भाजपा और कांग्रेस पिछले चुनाव में हुई गलतियों से सबक लेते हुए नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। बात करें 2018 के चुनावी परिणाम की तो यहां पर चुनाव बेहद उतार चढ़ाव और कांटेदार रहा था। निर्दलीय उम्मीदवार खुशवीर सिंह को तब 58,921 वोट मिले थे, तो वही बीजेपी के केसाराम चौधरी के खाते में 58,670 वोट आए। कांग्रेस यहां पर 21,037 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। अंतिम दौर तक चले मतगणना में खुशवीर सिंह को जीत मिली, उन्होंने महज 251 वोटों के अंतर से यह बड़ी जीत हासिल की थी। तब के चुनाव में मारवाड़ जंक्शन सीट पर कुल 267,265 वोटर्स थे, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 139,942 थी तो महिला वोटर्स की संख्या 127,318 थी। इसमें कुल 161,804 वोटर्स ने वोट डाले, यानी वोटों का परसेंट 61.6% रहा। तो अब बात करते हैं कि अब की बार कौन बनेगा मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट का सरताज। तो जातीय मतगणना के अनुसार देखें तो इस सीट पर सीरवी समाज के वोट निर्णायक माने जाते हैं। पिछली बार कांग्रेस ने सीरवी समाज के जसाराम चौधरी को टिकट देकर भाजपा का गणित बिगाड़ दिया था, तो अब की बार भाजपा की कोशिश रहेगी कि पिछली बार महज 251 वोटों से मिली हार को अब जीत में कैसे तब्दील करना है। वही कांग्रेस भी पिछले चुनाव में प्रबल दावेदार को टिकट न देने की भूल को सुधारते हुए वर्तमान विधायक खुशवीर सिंह को चुनावी रण में उतार कर बड़ा दाव चला है। यानी यह तय है कि मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट पर इस बार दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर रहने वाली है। राजस्थान में मतदान 25 नवंबर को होगा और परिणाम रविवार 3 दिसंबर को आएगा। अब देखना होगा कि जनता जनार्दन किसका साथ देती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप देखते रहिए मंगल मीडिया न्यूज चैनल। धन्यवाद। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।